You might not believe it, but this one software can download any game. Seriously, any game, वो भी free. Free, free, free. मेरा एक प्यारा सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा था भाई बेल वर्ल्ड कैसे डाउनलोड करा उसका ट्यूटोरियल देने के लिए. तो पहले तो भाई तुम्हारा कमेंट करने के लिए थैंक्स, लव यू. आज का एपिसोड में मैं दो टिप्स देने वाला हूँ जहाँ पर कोई ज्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा एंड तुम लोगों का गेम भी बहुत ही आराम से डाउनलोड हो जाएगा. हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग गेम कोई डाउनलोड करने के लिए या तो गूगल या तो यूट्यूब पे जाकर उसका वीडियो देखते हैं. दो चार वीडियो देखने के बाद वेबसाइट जाते हैं, सर्च करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, न्यू फोल्डर. बहुत ही थकाने वाला है. मगर मेरे रहते तुम लोग इतना मेहनत क्यों करोगे भाई, मैं हूँ ना. आज के एपिसोड के मैं तुम लोगों को एक प्रो गेम एंड एक लेजेंडरी गेम कैसे डाउनलोड करना होता है वो फास्ट टू लास्ट दिखाने वाला हो. प्रो गेम तो समझ सकते हो पैल वर्ल्ड, ठीक है. पहले मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ पैल वर्ल्ड कैसे डाउनलोड करना होता है. तो इसके लिए पहले तुम लोग, अगर तुम लोगों के पीसी में विंडोज एज है तो अच्छा है, या तो गूगल से भी तुम लोग कर सकते हो, दोनों में एक ही है. पहले हम लोग विंडोज एज खोलेंगे, इसके बाद सेवन लॉन्चर एंड स्पेस जेकर पैल वर्ल्ड, दैट्स इट. अभी तुम लोगों के सामने सेवन लॉन्चर का पैल वर्ल्ड जो ये पहला वाला दिख रहा है इसमें क्लिक कर दो एंड वल्ला गाइस, तुम लोगों का पैल वर्ल्ड डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है. सिर्फ इसको डाउनलोड करो एंड इसको प्रोसेस होने के लिए छोड़ दो. देखो मेरे पास पहले से पैल वर्ल्ड है इसलिए ये मेरे को फिर से डाउनलोड नहीं करने का ऑप्शन दिखा रहा है, इसलिए ही मैं आगे बढ़ता हूँ एंड मैं तुम लोगों को लेजेंडरी गेम, सभी का फेवरेट गेम GTA 5 हाँ जी GTA 5 कैसे डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. वो भी बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मगजमारी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इसके लिए हम लोग फिर से विंडोज एज पे जाएंगे, सर्च करेंगे सेवन लॉन्चर स्पेस GTA 5 एंड पहले वाला जो लिंक है मैं सेवन लॉन्चर वाला इसमें क्लिक कर दो एंड गाइस आ चुका है हम लोगों का GTA 5 डाउनलोड करने का लिंक. इसको भी हम लोग अभी प्रोसेस करने के लिए छोड़ देते हैं एंड तब तक मैं तुम लोगों को थोड़ा टिप्स दिखा देता हूँ, ठीक है. टिप्स बोलता हूँ, देखो अगर तुम लोग GTA 5 डाउनलोड करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम लोगों को एक बात बताना, बात जानना बहुत ज़रूरी है. अगर तुम लोगों का पीसी मिड रेंज है या हाई रेंज है उस पर कुछ फर्क नहीं है, गेम चल जाएगा, मगर गेम का साइज बहुत बड़ा है. 110 से 120 माने 110 से 120 तक GB तक इसका फाइल साइज है. तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हारा सिस्टम मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप में स्पेस है तो ही डाउनलोड करो, नहीं तो डाउनलोड करोगे अगर स्पेस नहीं है तो गेम लैग होगा, ठीक है, मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा. तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर मिनिमम मतलब अच्छे से गेम चलने के लिए मिनिमम तुम लोग 200 GB तक रखो फ्री, जिसमें 120 की 30 तक GB तो ये प्रोसेस होगा एंड उसके बाद जो जो तुम लोग खेलोगे वो भी तो सेव होता रहेगा ना, उसका भी तो थोड़ा जगह लगेगा. तो इसके लिए मैंने बोला है 200 GB तक, ठीक है. क्योंकि देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ GTA 5 रखोगे अपने पीसी में, तुम लोगों का कुछ और भी काम हो सकता है. देखो तुम लोग अगर स्टूडेंट हो तो तुम लोगों का पढ़ाई का मॉड्यूल्स, PDF, एक्सेल, वर्ड्स, बहुत कुछ है, ठीक है, जो जो काम है. अगर तुम या तुम लोग भी मेरे जैसा गेमर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी तो तुम लोगों को एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो थोड़ा सोच समझ के डाउनलोड करना, ठीक है. अभी मेरा जो ये वाला वीडियो था इसमें मैंने तुम लोगों के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा था, ठीक है. जो मेरा वीडियो पूरा देखा एंड दोनों क्वेश्चन था, ठीक है, मेरा दो क्वेश्चन था. मैंने एक पोकेमोन को ब्रीड किया था एंड मैंने एक आइलैंड पर जाकर, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर कलेक्ट करा था. तो मेरा क्वेश्चन था तुम लोगों से कि मैंने कितना
ब्यूटीफुल फ्लावर कलेक्ट करा एंड ब्रीडिंग करने के बाद कौन सा पोकेमोन आया। इसमें से मैंने दो ही लकी विनर को चुना था, वो बात अलग है। तो बहुत लोग कमेंट नहीं किया, सिर्फ तीन लोग ही कमेंट करा है एंड उसमें से सिर्फ दो लोग ही सही कमेंट करा है। तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों का जो प्राइज है तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, तुम लोग प्लीज़ मेरे साथ ईमेल पे कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, तो इसलिए प्लीज़ तुम लोग मेरे साथ ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करो एंड मैं तुम लोगों का प्राइस मनी तुम लोगों को जीपे कर दूंगा। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं हम लोगों के वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं तुम लोगों के लिए GTA 5 डाउनलोड तो कर रहा हूँ, अगर क्या बोलो, GTA 5 का सीरीज चाहते हो दोस्तों या ग्रैंड आरपी का, क्या चाहते हो दोस्तों? अगर तुम चाहते हो GTA 5 या ग्रैंड आरपी तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो पैल वर्ल्ड के साथ ही साथ GTA 5 का प्रॉपरली ओरिजिनल जो स्टोरी मोड है प्रॉपरली तुम लोगों के लिए खेल कर दिखाने वाला हूँ, और या तो तुम लोग बोलो तो ग्रैंड आरपी, तो ग्रैंड आरपी से भी शुरू कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अभी हम लोग गेम तो शुरू हो गया है, मगर एक बात तुम लोगों से कहना है, ठीक है। यह गेम बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसका डाउनलोड करने का बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मेरा तो टोटल 5 घंटा लग गया है, मैंने तो रात को इसको डाउनलोड करने के लिए बिठा दिया था रिकॉर्ड के साथ एंड सुबह उठा कर देखा तब जाकर डाउनलोड ख़त्म हुआ है। मगर एक प्रॉब्लम हो गया था कि जो स्क्रीन रिकॉर्ड था वो बीच में ही बंद हो गया था, इसलिए पूरा जो डाउनलोड जो टाइमिंग है ना, ठीक है, मतलब 5 घंटे का जो टाइमिंग था, मैंने सोचा था तुम लोगों के लिए वो टाइम लैप्स करके दिखाऊं, मगर वो हो नहीं पाया। अभी क्या कर सकते हैं, मगर इसके बीच में कोई और प्रोसेस नहीं है दोस्तों। मैं तुम लोगों को ये एश्योर कर देता हूँ, सिर्फ डाउनलोड करना है, वो खुद से ही प्रोसेस होते रहेगा, तुम लोगों को नेक्स्ट करना पड़ेगा एंड बस तुम लोगों का गेम शुरू हो जाएगा। चलो जो भी हो, अभी हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड देखो कैसा लग रहा है दोस्तों गेम शुरू होने के बाद, कितना अच्छे ग्राफिक्स है, देख रहे हो भाई साहब। मेरा बचपन का गेम, फेवरेट गेम है, ठीक है। जब हम लोग छोटा था ना, तब मैं मेरे दोस्त के साथ साइबर कैफे में जाता था, ठीक है। तब घंटे का सिर्फ 15 रुपया या 10 रुपया करके घंटा का हिसाब रहता था। हम लोग GTA San Andreas खेलते थे, ठीक है। इतना मज़ा आता था ना भाई लोग, क्या बोलो। एंड आज इतना सालों के बाद, ठीक है, आज मैं फिर से इसका अपग्रेड वर्सन GTA 5 खेलने वाला हूँ। मतलब मैं थोड़ा स्पीचलेस हूँ दोस्तों। तुम लोग गेम प्ले इंजॉय करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही तक था, ठीक है। मैं तुम लोगों के लिए पैल वर्ल्ड का भी गेम प्ले डाल रहा हूँ एंड अभी ये टीस वाला भी। अगर तुम लोग बताओ तो GTA 5 का सीरीज भी हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। मगर तुम लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। प्लीज़ तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या डेली वीडियो चाहते हो या हफ्ते में एक बार? क्योंकि जब मैंने थोड़ा एक दिन गैप देखे देखे जब वीडियो डालना शुरू करा तो मेरा व्यू अचानक से पूरा ड्रॉप कर गया। मैं पहले हफ्ते में एक देता था, मगर अभी मेरा व्यू इतना ड्रॉप हो चुका है। पहले मेरा व्यू 1K से, मतलब 1000 से 500 के अंदर अंदर या 400 के अंदर रहता था। अभी तो यार क्या बोलूँ, बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग भाई लोग तुम लोग बोलोगे डेली तो हम लोग डेली करेंगे, मगर तुम लोगों का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के मैं ये नहीं कर सकता। या तो तुम लोग बोलो हफ्ते में एक बार, तो हम लोग हफ्ते में एक बार ही वीडियो डालेंगे, मगर प्लीज़ रेस्पॉन्स करो, सपोर्ट करो दोस्तों, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही। यहाँ पर मेरा बहुत ही एक्साइटिंग पैल वर्ल्ड गेम प्ले आ रहा है, ठीक है। पैल वर्ल्ड का गेम प्ले तुम लोग अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। मैंने जब पैल वर्ल्ड का जर्नी शुरू किया है, ठीक है, सिर्फ
मेरा नेक्स्ट मेरा सेकेंड एपिसोड में मैंने दोस्तों मेमोरिस्ट बॉस को मारा था, वो भी मेरा टिप्स को यूज़ करके। कोई ग्लिच मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ टिप्स यूज़ किया है, ठीक है, टिप्स एंड स्ट्रेटजी। उसके मदद से दोस्तों मैंने सिर्फ मेरा सेकेंड एपिसोड जहाँ पर मेरा लेवल उतना कुछ खास भी नहीं था, तब मैंने मेमोरिस्ट को मार दिया था। जाके वो भी देख लो एंड सपोर्ट करो दोस्तों। अगर मैंने सेकेंड एपिसोड में मैंने इतना धुआंधार काम किया है तो सोचो आगे और भी कितना धुआंधार होने वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड अभी जाके